मेरा नाम सुनीता करवंदा है। मैं संत निरंकारी पब्लिक स्कूल सेक्टर 16A में प्रधानाचार्य के पद पर पिछले 20 सालों से काम कर रही हूँ। मैडम, शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आप अपने विचार दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए केवल शिक्षा शिक्षक या विद्यालय ही जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए माता पिता को भी पूर्ण सहयोग देना चाहिए। और शिक्षा में हमारी पाठ्यक्रम में जितना भी हो प्रैक्टिकल की एडिशन होनी चाहिए, क्योंकि हम किताबी शिक्षा तो बहुत देते हैं, पर जब विद्यार्थी स्कूल से बाहर निकलता है तो उसके पास काम करने के लिए कोई भी वैसी शिक्षा नहीं होती। हम बच्चों में चाहते तो हैं कि 95-100% रिजल्ट आए, बट कार्यशैली के प्राणी उस क्षेत्र में हम उसको इतना दब्बू बना देते हैं कि वो प्रैक्टिकल जीवन में जानता ही नहीं है कि वास्तविकता में मेहनत क्या चीज होती है। नैतिक मूल्यों में गिरावट, जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? शायद हम तीनों ही कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। बच्चा पहली शिक्षा घर से प्राप्त करता है। अगर घर का वातावरण ठीक नहीं है, वहां का माहौल ठीक नहीं है, तो वो वही चीज ग्रहण कर आता है। और स्कूल में अगर हम उसकी उस जो बुराइयां हैं उसको थोड़ी बहुत दूर करके उसमें एक अच्छे संस्कार ना दे सके, तो कहीं ना कहीं स्कूल भी जिम्मेवार है। और समाज, क्योंकि पूरा दिन वो स्कूल में भी नहीं रहता, घर में भी नहीं रहता, तो उसका शाम को समाज में भी उठना बैठना मूवमेंट रहती है, और कहीं ना कहीं समाज भी जिम्मेवार है। तो हम तीनों को ही मिलकर इस विषय में कुछ न कुछ अवश्य सोचना चाहिए। यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? अवश्य करना चाहिए। और जहाँ तक मेरी समझ है, इसको हम क्लास 6 से 6ठी से हमें शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि लड़कों में तो नहीं बट लड़कियों में इस उम्र में कुछ परिवर्तन होते हैं जो कि उनको पहले ही पता होना चाहिए। मैडम, आज प्राइवेट स्कूलों पर फीस वसूलने का मनमानी का आरोप लगता है और कहा जाता है कि शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया गया है। आप खुद एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल हैं, कहां तक इस बात से सहमत हैं? आपकी बात पर मैं थोड़ी सी ही सहमत हूं। उसका एक कारण क्या है कि आजकल हर माँ बाप अपने बच्चों को हर तरह की उच्च शिक्षा देना चाहता है, और उसके लिए वो हर तरह की सुख सुविधाएं भी बच्चों को देना चाहता है। बच्चा चाहे घर में उसके पास पंखा है, कूलर है या नहीं है, बट उसको एसी चाहिए। घर में वो पानी जैसा भी पीता हो, स्कूल में उसको आरओ चाहिए। गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए स्कूल में जनसेट चाहिए, कमरे अच्छे चाहिए। तो ये सब चीजों के पीछे एक ही कारण है कि कोई भी चीज आजकल बिना पैसे के नहीं खरीदी जा सकती। तो इन सुख सुविधाओं के देते हुए कोई भी स्कूल, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, हमारा स्कूल कहीं से भी कोई किसी प्रकार का डोनेशन नहीं लेता। मेरी संस्था इससे एक भी लाभ नहीं लेती। हम जो भी कमाते हैं हम शिक्षकों पर और स्कूल पर खर्च करते हैं, और हम उतना हमारा बनता है जितना कि हमारे को लेना चाहिए। और बढ़ती फीस, हाँ, उतनी भी अधिक ना ली जाए कि जिससे कि मालिक जो है अपना जेब भरता रहे, उस चीज के मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैडम, छात्र जीवन में छात्र की दिनचर्या किस प्रकार से हो, इस पर आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ जरूर। जिस समय जिस तरह से स्कूल में एक निर्धारित टाइम टेबल होता है, उसके अनुसार हम सारे विषय एक बच्चे को देते हैं, उसी तरीके से बच्चे को अपने घर पर भी एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिससे कि वो अपने टाइम को समय और खेल में बराबर सा बांट सके।